ऑफ ईयर्स और एक पर्टिकुलर सेक्ट है जो इनके रिलीजन की होलियस्ट ऑफ द होलियस्ट साइट्स पे अटैक कर रही है, जो कल का भी एपिसोड हुआ, टुडे मॉर्निंग वी केम टू नो एंड द पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी हैव कम्युनिकेटेड टू आस्क व्हाट हैज हैपेंड। जो दरबार साहब है वो सबसे मुकद्दस जियारत है सरदार भाइयों के लिए, एंड वी एक्सप्रेस आर सॉलिडारिटी ऑन आर पर्सनल बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी ऑल्सो विद द कम्युनिटी। दे आर नॉट अलोन, हमारा पूरा साथ इनके साथ है, कोई इस तरीके की सैक्रिलेज नहीं हो सकती है एंड इट कैन नॉट गो अननोटिस्ड। वी वॉन्ट टू मेक इट इनकम्बेंट अपॉन द पंजाब गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर ये रिपीटेड ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं और उनको ओवर लुक किया जा रहा है, दिट इज टोटली डायबोलिकल। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस तरह की कोई बेहरमती होती है किसी होलीएस्ट ऑफ द होली किसी भी रिलीजियस साइट के साथ, तो दे शुड टेक नेसेसरी एक्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल जो गोल्डन टेंपल अमृतसर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जहां पे एक शरारती अनासर ने आके गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने की कोशिश की गई, पर गुरु की कृपा से उसको मौके पे ही पकड़ लिया गया और गुरबाणी के सिद्धांत अनुसार गुरु की निंदा सुने ना कान, पेट करो तिसंग कृपान, की जो गुरु के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो करने की कोशिश करे तो उसको जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैंड से डील करना चाहिए। वही चीज़ वहाँ पे कल हुई है और उनको एज़ पर द कोड ऑफ सिख कंडक्ट उनको जो है मारा गया। तो उसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, बट बस हम ये एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे सेंटीमेंट्स के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा तो हम स्ट्रिक्ट एक्शंस करेंगे। और ये खाली गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात नहीं है, चाहे कुरान पाक की बात हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे बाइबल की बात हो, हर एक धर्म जो है वो इज्जत के लायक है, हर एक धर्म ग्रंथ जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर कोई भी बंदा ऐसी घटना करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, उसको स्ट्रिक्स उसके खिलाफ एक्शंस जो होने चाहिए। और पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए, चन्नी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि वो एक सिख हैं और उनके राज में सिख जो सबसे बड़ी स्टेट है पंजाब, वहाँ पर इस तरीके की बेअदबियाँ हो रही हैं, तो पंजाब सरकार के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। उनका सबसे बड़ा मरकज है दरबार साहब गोल्डन टेम्पल। कल वहाँ पर जो घटना घटी, एक शख्स डेलिबरेटली अंदर घुसा, उसने चाहा कि वहाँ पर भेद भी की जाए, वहाँ पर जो है वो बेहरमती की जाए। उसके बाद उसको पकड़ा गया और उसके बाद उसको वहाँ पर जो वहाँ पर लोग थे उनसे नहीं रहा गया, गुस्से में उस जगह पर उसकी मौत भी हो गई, उसे मारा गया। तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि ना किसी का मरना हमें अच्छा लगता है और ना ही हमें लगता है कहीं पर सेक्युलरिज हो, लेकिन ये स्टेट फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट पिछले 4-5 साल से हो रहे हैं और स्टेट जो है वो नहीं बचा पा रही हमारे धार्मिक स्थलों को। वो बार बार लोग वहाँ जाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। या तो कानून इतना जो है वो नरम है कि लोग ये सब करते हैं और फिर वो बाहर भी आ जाते हैं, उन्हें डर नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है क्योंकि ऐसा कानून बनाया जाए जिस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं वो रुकें और हमें सड़कों पर ना आना पड़े, किसी को मारना ना पड़े किसी को, और ये सारा जो है स्टेट के हाथ में। अगर वो 4-5 साल से कोई कार्रवाई नहीं करे तो इधर वो फेल्ड हैं या तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो जवाब हमें उनसे चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो स्पेशली इस चीज़ के रिलेटेड हो कि जो सेक्युलर इंसिडेंट होते हैं इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी का भी मजहब हो, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, लीजिए से एक ऐसा पिन पॉइंट है जिसको अगर आप कभी दबाने की कोशिश करोगे या उस पर कुछ ऐसा करोगे तो वो बड़े एक गंदे अनासर जो हैं बाहर आ सकते हैं, बड़े जो हैं वो अन सोशल अनासर जो हैं वो बाहर आ सकते हैं, समाज को भी वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार मैं नहीं चला रहा, गवर्नमेंट मेरी नहीं है। अब जो वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं 4-5 साल से लोग पकड़ के उनको मुलज़िम दे रहे हैं और मुलज़िम फिर बाहर भी आ जाते हैं 6 महीने साल के बाद, जमानतें उनको मिल जाती हैं, कानून जो है वो इतने नरम हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कानून बने और ये प्रोवोकेशन चाहे किसी भी रीजन के साथ हो लेकिन वो बंद होनी चाहिए, और वो तब होगा जब कानून जो है वो सख्त होगा और लोगों को डर होगा कि ऐसा करने से हमें सजाए मौत तक भी मिल सकती है। देखिए वो तो कोई सवाल ही नहीं है कि भाईचारा कायम है, नहीं है, क्योंकि हम तो ये चीज़ शुरुआत से मानते हैं कि कश्मीर में भाईचारा था और हमेशा रहेगा। अब कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी परेशान हैं, लोग तंग हैं, लोग ज़हनी तौर पर लोग तंग हैं, फाइनेंशियली लोग बहुत वीक हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है और सारे लोग परेशान हैं। तो कभी ना कभी जो है कभी कुछ प्रोपोगंडा होता है, कुछ होता है, जो हालात जो हैं वो ऐसे बाहर बन के आते हैं कि एक गलत इमेज कश्मीर की बाहर जाती है। आज हमारे साथ शिबान साहब खड़े हैं, फ़ोन सुबह से मुझे हज़ारों अपने दोस्तों के आ चुके हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गांव से, यहां से, कि हम भी इसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो भाईचारा था और हमेशा रहेगा, इसमें सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
Lucent Global School, the first ever school in Kashmir to offer Geneva, Switzerland-based international curriculum. Schooling still need change from traditional to transformational. How Lucent curriculum differs from other boards. Lucent offers inquiry-based learning rather than lecture-based learning. More into learning than memorizing. Quality of assignment than quantity, application of knowledge than factual approach, interdisciplinary approach than multidisciplinary approach, more collaborative learning, less individual. Other benefits at Lucent: English language lab, international standard library, coding and robotics, extracurricular activities, and much more. So what are you waiting for? Admission now.